नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के बाहर हंगामा करने और राज्यपाल की गाड़ी का घेराव करने पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित 5 कांग्रेसी विधायक बजट सत्र से निलंबित। विपक्ष के व्यवहार से तल्ख दिखे जयराम ठाकुर, बोले ऐसे कल्चर को कतई इजाजत नहीं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार बोले MLA कोई खुदा नहीं, FIR करने पर करेंगे विचार। कांग्रेस के निलंबित विधायकों का ऐलान, विधानसभा परिसर में बैठकर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की कैद। मैड़ी मेले में बिना मास्क 5,000 जुर्माना, हर श्रद्धालु की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बीच हंगामा करने और सदन के बाहर राज्यपाल की गाड़ी का घेराव करते हुए हंगामा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के 5 विधायकों हर्षवर्धन चौहान, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह व विनय सिंह को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया है। इससे पहले विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन के बाहर राज्यपाल की गाड़ी का घेराव करने और धक्का मुक्की करने के बाद CM जयराम ठाकुर ने सुरक्षा कर्मियों सहित मंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की व दोबारा से सदन बुलाया। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन के स्थगित होने के बाद सदन बुलाया गया हो। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा विपक्ष के नेता सहित सुंदर सिंह ठाकुर, सतपाल रायजादा, विनय कुमार व हर्षवर्धन चौहान को 20 मार्च तक सदन की कार्यवाही से निलंबित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वन मंत्री राकेश पठानिया, मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग सहित CM जयराम ने भी विपक्षी विधायकों के निलंबन के प्रस्ताव का समर्थन किया। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के व्यवहार से CM जयराम ठाकुर तल्ख दिखे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे कल्चर को कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। विधानसभा अध्यक्ष जो उचित कार्रवाई समझे विपक्ष के विधायकों पर करें। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। स्थापित परंपरा के अनुसार बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। उन्होंने तल्ख लहजे से कहा कि विधायक व विपक्ष होने का अभिप्राय नहीं कि आप कानून के ऊपर हो गए। ऐसा कल्चर विधानसभा तो छोड़े, हिमाचल के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। ऐसी हरकत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इस तरह के कल्चर को हिमाचल में इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सारा घटनाक्रम विधानसभा परिसर में घटित हुआ है। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के बाद विधानसभा में हुए हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि विपक्ष प्रश्न खड़े करता है और सत्ता पक्ष और CM उसके उत्तर देते हैं। आज जो कुछ कांग्रेस के विधायकों ने किया वो शर्मनाक है। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। विधानसभा के नियमों में प्रावधान है कि यदि सत्र को स्थगित किया गया है तो उसे फिर बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीति बिल्कुल नहीं, हम निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे। विधानसभा में जो कुछ हुआ परंपराओं के विरुद्ध हुआ, उन चीजों को हम गहराई से देख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि MLA कोई खुदा नहीं है, व्यवहार और संस्कार सभी में रहने चाहिए। राजनीति इस तरह से नहीं चलती। हिमाचल के लोग भी इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करते। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आगामी रणनीति बनाएगी।
वहीं निलंबित विधायकों ने दो टूक कहा कि ये सदन के अंदर से निकाले जा सकते हैं, लेकिन विधानसभा परिसर में बैठकर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। सुबह 11 बजे से सत्र स्थगित होने तक विधानसभा परिसर में बैठकर विरोध जताएंगे। मीडिया से बातचीत में विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विधानसभा डिप्टी स्पीकर मंत्रियों को कांग्रेस के विधायकों को धक्का देने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि ये सारा हंगामा विधानसभा के बाहर हुआ है, इस पर सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया है। वे विधानसभा के बाहर बैठेंगे और सरकार की नीतियों का लगातार विरोध करते रहेंगे। हिमाचल के सोलन जिला में सामूहिक दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के मामले में अतिरिक्त सेशन जज स्पेशल कोर्ट पोक्सो सोलन की अदालत ने 3 लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें से 2 दोषियों को 20-20 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक को 10 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगाया है। उक्त दोषियों के खिलाफ IPC की धारा 376D और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इनमें से एक दोषी लोकेश ने नाबालिग से पहले रेप किया और बाद में नाबालिग को अकेला पाकर रेशव और कर्ण ने रेप किया। रेशव और कर्ण के खिलाफ 2015 में पुलिस थाना कसौली में मामला दर्ज किया गया था। दोषियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। मामले में लोकेश की भी संलिप्तता पाई गई। तीनों के खिलाफ मामला कोर्ट में चला। कोर्ट ने आज रेशव और कर्ण को 20-20 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण भुगतान होगा, साथ ही 5,000 जुर्माना भरना होगा। वहीं लोकेश को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। डेरा बाबा बड़भाग सिंह में 21 मार्च से 23 मार्च तक होने वाले मैड़ी मेला के दौरान मेला क्षेत्र में एक दिन से अधिक ठहरने वाले लोगों की विभाग की ओर से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। COVID-19 के लक्षण पाए जाने पर उनका टेस्ट कर आइसोलेट किया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए मास्क प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्री प्रवेश के समय अपने मूल राज्य, जिला, तहसील और स्वास्थ्य केंद्र की ओर से दिए गए कोरोना फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालु के मास्क ना पहनने पर पुलिस 5,000 रुपए तक का चालान करेगी। गुरुद्वारा परिसर को हर रोज सैनिटाइज करना पड़ेगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।